हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं मार्केटर प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा हम लोगों क्या आखिर मार्केटर प्रोजेक्शन है क्या। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है। गेरहार्ड मार्केटर वॉज अ ग्रेट एक्सप्लोरर ऑफ हिस टाइम हु डिवाइज ए मैप प्रोजेक्शन ऑफ द लोअर एंड मिडिल लैटिट्यूड इन 1569 फॉर यूज इन नेविगेशन। सेकेंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, इट वॉज लेटर मॉडिफाइड बाई एडवर्ड राइट ए ब्रिटिश कार्टोग्राफर इन 1599। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रॉपर्टीज, लिमिटेशन एंड यूजेस। तो प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड आर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, इक्वल इन लेंथ टू द इक्वेटर, और मेरिडियंस आर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। लिमिटेशन क्या है इसमें, द पोल्स आर नेवर प्रोजेक्टेड। सेकेंड पॉइंट, द लेटिट्यूड स्केल इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से बाकी लेटिट्यूड का डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा। यूजेस, दिस प्रोजेक्शन इज यूजफुल फॉर नेविगेशनल पर्पोजेस। तो हम लोगों को पता चल चुका है मार्केटर प्रोजेक्शन है क्या, इसका प्रॉपर्टीज, लिमिटेशन एंड यूजेस। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे एक दिया हुआ है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ड्रॉ द ग्रेटिकुल ऑफ मार्केटर प्रोजेक्शन विद आर एफ। आर एफ कितना है, 1:300 मिलियन एंड इंटरवल 15 डिग्री। तो ड्रॉ करने से पहले कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, इसको आर का वैल्यू निकालना होगा। आर मतलब हो गया रेडियस। तो इसका फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ द एक्चुअल अर्थ डिवाइडेड बाय गिवन स्केल। एक्चुअल अर्थ का वैल्यू कितना है, 635 मिलियन, और गिवन स्केल जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 300 मिलियन। दोनों को डिवाइड करने के बाद रेडियस हम लोग को कितना आया, 2.11 सेंटीमीटर। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको देखिए। लेंथ ऑफ द इक्वेटर जो कि फॉर्मूला दिया हुआ है 2πr, तो 2 × π का वैल्यू क्या है, 22/7, कितना आएगा आंसर, 3.14 इंटू जो कि r, r का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है हम लोगों को 2.11। तीनों को इंटू करने के बाद कितना आया लेंथ ऑफ द इक्वेटर, 13.25 सेंटीमीटर। तो अभी हम लोग को लेंथ ऑफ द इक्वेटर मिल गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप एक इक्वेटर लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि है 13.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, 13.25 एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ये हो गया इक्वेटर जो कि हो गया 0 डिग्री। तो इसके बीचों बीच हम लोग एक लाइन डिवाइड करेंगे, तो 13/2 कितना होगा, 13.2, ये हो जाएगा कितना, 6.5। यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये बन गया हम लोगों का सेंट्रल मेरिडियन 0 डिग्री। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए इक्वेटर मिल गया जो कि लैटिट्यूड, सेंट्रल मेरिडियन मिल गया जो कि है लॉन्गिट्यूड। अभी हम लोगों को क्या चाहिए, अदर मेरिडियंस और अदर पैरेलल्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेरिडियंस के लिए देखेंगे क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ऑफ मेरिडियंस अलोंग द इक्वेटर। तो इसका फॉर्मूला कितना दिया हुआ है, 2πr × interval/60° जो कि 2πr का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है 13.25, इसको यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे और इंटरवल के साथ इंटू करेंगे जो कि इंटरवल कितना हम लोग का, 15 डिग्री। दोनों को इंटू करने के बाद डिवाइड किससे करेंगे, 360 डिग्री। तो आंसर कितना आया यहाँ पे, 0.55 सेंटीमीटर। तो हो गया ये क्या, डिवीजन ऑफ मेरिडियंस अलोंग द इक्वेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये इक्वेटर के पास रखेंगे इसको, और यहाँ से हम लोग 0.5 करके डिवाइड करते जाएंगे अप टू 180 डिग्री। तो ये हो गया 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। यहाँ तक देंगे हम 180 डिग्री। फिर इसके बाद क्या करेंगे, सेम ऐसे ही हम लोग इस तरफ भी डॉट देंगे 0.5 करके, 0.5, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, 165 डिग्री, और ये हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ तक हम लोग दोनों तरफ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ से ये लाइन को खींच देंगे,
मेडियन के लिए दोनों तरफ। ये देखिए, ये लाइन को हम लोग खींच रहे हैं, ये हो गया मेरिडियन। अब तो कितना तक, 180 डिग्री तक। यहाँ पे भी सेम हम लोग करेंगे बोथ साइड। अब तो कितना तक, 180 डिग्री तक। ये हो गया हम लोगों का मेरिडियन। देखिए यहाँ पे लंगिट्यूड लाइन बन चुका है, और अभी हम लोगों को क्या चाहिए, आर्डर लेटिट्यूड। तो लेटिट्यूड के लिए यहाँ पे एक टेबल को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यह टेबल पे देखिए क्या लिखा हुआ है, लेटिट्यूड, और इस तरह लिखा है डिस्टेंस ऑफ लेटिट्यूड फ्रॉम द इक्वेटर। तो जो कि हम लोग का इंटरवल है 15 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 15 डिग्री के लिए क्या वैल्यू दिया हुआ है, 0.265। इसको हम लोग क्या करेंगे, इनटू आर से करेंगे, जो कि आर का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है 2.11। तो ठीक इसी तरह 30 डिग्री के लिए भी यहाँ पे वैल्यू दिया है, 45 डिग्री के लिए भी दिया हुआ है, 60 डिग्री, 75 डिग्री। तो ये सब वैल्यू को हम लोग आर से इंटू करने के बाद देखिए 15 डिग्री का कितना आया, 0.55, 30 डिग्री का 1.15, 45 डिग्री का 1.85, 60 डिग्री का 2.77, 75 डिग्री का 4.27। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो कि है 15 डिग्री का, यहाँ से लेंगे हम सेंट्रल मीडियन से पहले 15 डिग्री के लिए। तो 15 डिग्री का कितना है, 0.5। 30 डिग्री का कितना है, 1.15, तो 1.1 लेंगे। 45 डिग्री का कितना है, 1.85, तो हम लोग 1.8 लेंगे। 60 डिग्री का कितना है, 2.77, तो हम लोग 2.7 लेंगे, इधर 7 हो गया। और 75 डिग्री का कितना है, 4.27, यहाँ पे हम 4.2 लेंगे। ठीक इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, इधर भी 0.5 15 डिग्री का, उसके बाद 1.1 लेंगे, उसके बाद 1.85, यहाँ पे हम लोग लेंगे 1.8, ये हो गया 2.77, नेक्स्ट ये हो गया 2.77, और नेक्स्ट 4.2 लेंगे, ये हो गया। तो ये हम लोगों का टेबल के सहायता से 15 डिग्री का लाइन ड्रॉ कर लिया, उसके बाद 30 डिग्री का लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद 45 डिग्री का, उसके बाद 60 डिग्री का, उसके बाद हो गया ये 75 डिग्री का लैटिट्यूड लाइन। तो सेम ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ भी लाइन खींचेंगे 60 डिग्री, और ये हो गया 75 डिग्री का। तो यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा लाइन हम लोगों को मिला, ये सबको मिटा देंगे। तो ये हम लोगों का बन गया क्या, मार्केट और प्रोजेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0 डिग्री, ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट। यहाँ से हम लोग लिखेंगे 15 डिग्री पैरेलल, 30 डिग्री पैरेलल, 45 डिग्री पैरेलल, 60 डिग्री पैरेलल, और ये हो गया 75 डिग्री पैरेलल, ये हो गया नॉर्थ। ठीक इसी तरह साउथ की तरफ भी लिखेंगे 15, 30, 45, 60, 75। और अभी हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट और वेस्ट, ये 0 डिग्री सेंट्रल मीडियन। यहाँ से हम लोग 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150, 165, ये हो गया 180। तो हो गया ये ईस्ट। तो ठीक इसी तरह हम लोग इस तरफ भी लिखेंगे, और ये हो गया वेस्ट। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।